नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। निर्दलीय सांसदों और छोटे छोटे दलों के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी है। गठबंधन नियम के तहत बीजेपी अब काम करने वाली है। सभी सहयोगियों को साथ लेकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। गठबंधन धर्म का पालन बीजेपी की ओर से किया जाएगा, लेकिन जेडीयू की अगर अनावश्यक मांगे होंगी तो उसके आगे बीजेपी नहीं झुकेगी। सहयोगियों की चिंताओं का भारतीय जनता पार्टी ध्यान रखेगी। तो देखिए, निर्दलीय सांसदों के संपर्क में बीजेपी है। करीब 17 ऐसे यहां पर सीटें हैं जहां पर निर्दलीय सांसदों ने या फिर जो छोटे दल हैं उन्होंने चुनाव जीते हैं, और इन 17 सीटों पर अब बीजेपी की नजर है। छोटे छोटे दलों के संपर्क में भी यहां पर बीजेपी, और कोशिश यही है कि उनको अपने पाले में किया जाए। आकाश द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। और आकाश से हम जुड़ेंगे। निर्दलीय सांसदों के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी है। गठबंधन नियम के तहत बीजेपी काम करेगी। सभी सहयोगियों को साथ लेकर बीजेपी चलने वाली है। हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आकाश, कल महत्वपूर्ण बैठक हुई एनडीए की जिसमें तमाम घटक दलों की मौजूदगी थी, और अब निर्दलीय सांसदों और जितने भी छोटे छोटे दल हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। देखिए, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए उसके बाद अब जो सरकार बनाने की कवायद है, क्योंकि एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे, लेकिन जेडीयू की जो अनावश्यक मांगे हैं उसके सामने भारतीय जनता पार्टी नहीं झुकेगी, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। इसके अलावा चाहे वो मंत्रियों की संख्या की बात हो या फिर मंत्रालय के बंटवारे को लेकर हो, इन तमाम बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। और जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका भी खास तौर पर बीजेपी ध्यान रखेगी और सबको साथ लेकर चलने की बात सामने आ रही है, क्योंकि इस बार परिणाम उतने निर्णायक भूमिका में नहीं आए जो भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही थी, क्योंकि 400 पार का नारा जरूर दिया गया था, लेकिन इंडिया गठबंधन का जो परफॉर्मेंस रहा वो वाकई में बीजेपी को चिंतित करने वाला रहा। ऐसे में सरकार बनाने में जो बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले से ही अलर्ट नजर आ रही है, और यही वजह है कि जो निर्दलीय सांसद हैं इसके अलावा जो छोटे राजनीतिक दल हैं उन पर भी बीजेपी की नजर है और इन लोगों से भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है ताकि जो संख्या है वो अधिक हो सके। और ऐसे में बीजेपी तरह तरह के जो तरीके हैं उन तरीकों के जरिए ऐसे निर्दलीय सांसदों तक पहुंच रही है जो जीत कर इस चुनाव में सदन तक पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही उन तमाम छोटी राजनीतिक दलों पर भी नजर है ताकि जो अनावश्यक दबाव गठबंधन की पार्टियों की तरफ से पड़ते हैं वो उसे कहीं ना कहीं रोका जा सके और उन दबावों के आगे बीजेपी झुकेगी नहीं, ये अंदर खाने की खबर जो निकल कर है वो सामने आ रही, क्योंकि कल बड़ी बैठक भी है, इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होना है और इस बैठक के बाद तमाम जो राजनीतिक तस्वीरें अभी धुंधली हैं वो साफ होते हुए नजर आएंगी। ठीक है आकाश, बने रहिए आप हमारे साथ, अन्य खबरों पर भी आपसे अपडेट लेंगे।